Hello everyone. I hope you all are healthy and fit at your place. And आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है उस चैप्टर से प्लानिंग इन स्पोर्ट्स. टॉपिक है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग. सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानिंग की कि व्हाट इज प्लानिंग, इसका मीनिंग क्या है, क्या होता है, कैसे होता है. तो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. ये हमारी थिंकिंग होती है किसी भी चीज़ को करने से पहले, जो हम सोचते हैं कि वो चीज़ कैसे होगी, कौन करेगा, कहाँ होगी, कैसे होगी, ये सब चीज़ जो थिंकिंग हमारे माइंड में चलती है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो होता है वो प्लानिंग होता है. और ऐसा नहीं है प्लानिंग किसी भी टास्क के लिए होती है. प्लानिंग हमारे जागने से लेकर सोने तक हर चीज़ के लिए चलती रहती है. फॉर एग्जाम्पल, हमको स्कूल आना है तो स्कूल आने का जैसे ही थॉट हमारे दिमाग में आएगा तो हम कुछ प्रोसेस चलता है कि हमको ऐसे जाना है, ड्रेस में जाना है, ये बुक लेके जानी है, ये बुक नहीं लेके जानी. तो ये भी प्रोसेस जो है वो प्रोसेस प्लानिंग के अंदर आएगा. तो बात करें इसके मीनिंग की. तो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो मैंने बताया है, ऑफ थिंकिंग एंड एडवांस. पहले से ही सोच के रखते हैं अबाउट सेटिंग अ गोल्स. एक गोल सेट करते हैं, कोई भी सेटिंग गोल सेट हो सकता है वो आपका. फॉर डेवलपिंग स्ट्रेटजी, उसके लिए हम तैयारियां करते हैं, प्लान करते हैं, कुछ अपनी नीतियां बनाते हैं. विच आर रिक्वायर्ड अटेनिंग द गोल्स एफिशिएंटली, क्योंकि हम उस गोल को जो हमने सेट किया उसको अच्छे से, एफिशिएंटली और सही तरीके से, प्रॉपर उसको पा सकें. प्लानिंग इज अ वे टू सिस्टमेटाइज, डायरेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द इवेंट और कॉम्पिटिशन एंड एक्सट्रैक्ट द एडवांटेज ऑफ बेनिफिट्स अवेलेबल रिसोर्सेज. इसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगा. आपने लास्ट टाइम स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया था, तो स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करने से पहले हमने क्लासरूम में एक प्लान किया था कि स्पोर्ट्स डे में क्या होगा, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कहाँ पे होगा, किस टाइम पे होगा. तो जो सिस्टमेटाइज होता है, जो डायरेक्ट सन जिसमें होती है, जिसमें कोऑर्डिनेशन होता है, सब लोग मिलकर जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, जो जो चीज़ हमको मिली उन चीज़ों से हमने वो स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया, उस चीज़ से करते हैं. तो वो एक प्लानिंग का पार्ट है, वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम प्लानिंग बोलते हैं. प्लानिंग इज द प्रोसेस मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर अ फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन. हमने आगे क्या काम करना है, कैसे करना है, उसके लिए एक सीक्वेंस तैयार करते हैं. एक सीक्वेंस होता है प्रोसेस का, वो प्लानिंग है. अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग. ठीक है, तो प्लानिंग के सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है रिड्यूस अनसर्टेनिटी. अगर हम प्लान करके किसी भी चीज को चलते हैं तो अनसर्टेनिटी मतलब अचानक से कोई भी चीज आपके सामने नहीं होगी. आप पहले से ही सोच के रखा है कि हमने ये काम अब करना है, ये काम ऐसे करना है, ये सिचुएशन होगी तो ऐसे होगी. अनसर्टेनिटी नहीं होगी. लेकिन अगर किसी चीज को आप एक्सप्लोर करोगे, कोई प्लान नहीं है, आप ऐसे ही उठा के चलोगे तो हो सकता है आपके सामने अनसर्टेनिटी आए. ये ब्रिंग्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. जैसे कि आपने स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया था, वेरियस कमेटीज बनी थी, हर लोगों का कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन उसमें रहा था, डायरेक्शन उसमें रहा था, सब लोग जुट मिलकर हम करते हैं. रिड्यूस कॉम्पिटिशन, क्योंकि इसमें अलग अलग सबके काम होते हैं तो बीच में कॉम्पिटिशन का मामला नहीं होता और आप बड़े अच्छे से अपने जो गोल है उसको आप अचीव कर पाते. अचीविंग द प्रीडिटरमाइंड गोल, जैसा पता ही है आपको, प्लानिंग करते हैं प्रीडिटरमाइंड को गोल को करने. इकोनॉमी ऑपरेशन, हमको पता है जब हम अपना प्लानिंग करते हैं तो हमको अपने बजट के बारे में पता होता है, हमको पता है कि हमारा बजट इतना है और इससे आगे नहीं जाना. तो उस बजट के अंदर ही हम उस चीज़ को खत्म करने की कोशिश करते हैं. जब हम प्लान करते हैं तो हमको पता चलता है कि बजट ओवर जा रहा है, बजट अंडर है, हम इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं या फिर हमको ये चीज़ कम करनी है. एंटिसिपेट द अनप्रिडिक्टेबल, मतलब कि कोई भी अनप्रिडिक्टेबल चीज़, आपको कॉन्टिजेंसीज नहीं होंगी, आपको अनप्रिडिक्ट, ऐसा नहीं है कि आपको पहले से पता नहीं हो. हर चीज़ आप जब प्लान करते हो एक एक पॉइंट को बारीकी से उसमें देखते हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो आपसे छूट जाती है और आप उसको बड़े अच्छे से कर पाते हो. दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग. अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ प्लानिंग. इसमें सबसे पहला है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर हमको पता है कि हमको ये चीज़ ऐसे करनी है तो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज का हम अच्छे से यूज कर सकते हैं. हेल्प इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, एक एक स्टेप जो हमको गोल सेटिंग तक, जो हमने गोल सेट किया उस तक पहुंचने तक जो जो हमने एक स्टेप है उसको हम पा सकते हैं. इकोनॉमी एंड ऑपरेशन, जैसे हमने बताया था कि बजट में ही हर चीज़ होती है, प्लान करके चलेंगे तो इकोनॉमी होगा. मिनिमाइज फ्यूचर अनसर्टेनिटीज बता चुके हैं. जब एक चीज़ हम गोल सेटिंग करते हैं, एक ही चीज़ का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, एक प्रोसेस तैयार करते हैं, तो अनसर्टेनिटीज खत्म हो जाती है. इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, जो पूरा जो हमारा जो प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए जो कमेटीज़ बनी हैं, तो हर कमेटीज़ कहती है कि मेरा काम में कहीं भी लैकुना ना हो, मैं कंप्लीट कर पाऊँ उस काम को. तो इससे क्या होता है, एक तो जो कमेटी है वो काम अपना पूरा एकदम परफेक्ट करती है, दूसरा एक दूसरे से कमेटी भी लगता है कि
कोई भी कहीं पे भी लैकुना ना हो और एक दूसरे को वो कोऑर्डिनेट करते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल होता है, जो डायरेक्टर होता है जो डायरेक्शन देता है या फिर जो सुपरवाइजर होता है उसका इफेक्टिव कंट्रोल होता है। इसमें हम अपने जो भी साथ में काम करने वाले होते हैं, कलीग होते हैं या वेंडर में काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेरियस कमेटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कमेटीज किसी भी चीज को, जब हम किसी भी हमने कोई गोल सेट है उसको पूरा करने के लिए, कोई टास्क है उसको पूरा करने के लिए, ऐसा नहीं है हम अकेले उसको पूरा कर सकते। अगर आपके लिए इंडिविजुअल कोई काम है तो आप उसको अकेले कर सकते हैं, लेकिन कोई ग्रुप टास्क है, फॉर एग्जांपल आपने किया था लाइव एग्जांपल जो आपने एक्सपीरियंस भी कर रखा है, जो आपने स्पोर्ट्स जो ऑर्गेनाइज किया था, उसमें हमको कोई भी सिंगल इंडिविजुअल, कोई सिंगल व्यक्ति या सिंगल स्टूडेंट या सिंगल टीचर या कोई भी सिंगल पर्सन उसको कंप्लीट नहीं कर सकता था। उसको कंप्लीट करने के लिए ग्रुप की जरूरत थी, तो उस ग्रुप को हमने वेरियस कम्युनिटीज में डिवाइड किया वर्क के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल कि ये टेक्निकल कमेटी है, इनका काम ग्राउंड मेंटेन करना है, इक्विपमेंट अरेंज करना है, ग्राउंड को प्रिपेयर करना है, सेकंड का इनविटेशन कमेटी, किस किस को बुलाना है किस किस को नहीं बुलाना है, डिसिप्लिन कमेटी, जो कमेटी हमने वहाँ पर बनाई सारी चीज़ों के लिए, उनको वर्क डिवाइड किया जाता है, उनको वर्क समझाया जाता है, उनको सुपरवाइज किया जाता है, उनसे कोऑर्डिनेशन किया जाता है आपस में, जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर सके और जो हमारा टास्क है उसको हम प्रॉपर तरीके से अचीव कर सकते हैं। डिफरेंट कमेटीज वर्क टुगेदर फॉर अ स्मूथ कंडक्ट ऑफ अ स्पोर्ट्स इवेंट, जो आपने एक्सपीरियंस भी कर रखा है। वेरियस कमेटीज जो हो सकती हैं वो है टेक्निकल कमेटी, जिसका काम होता है सारी टेक्निकल चीज़ों को अरेंज करना, फॉर स्पोर्ट्स इवेंट फॉर उन्होंने वॉलीबॉल अरेंज किया था तो जितने भी एम्पायर होंगे, रेफरीज होंगे, स्पोर्ट्स चीफ्स होंगी, इन सब का अरेंज, स्पोर्ट बोर्ड का अरेंजमेंट, ये सारे अरेंजमेंट का काम जो होता है, क्या क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशंस क्या क्या होंगी, कौन कौन टीम पार्टिसिपेट करेगी, किस तरीके का टूर्नामेंट होगा, वो सब चीज़ टेक्निकल कमेटी डिसाइड करेगी। ट्रांसपोर्ट कमेटी अपने प्लेयर्स को, अपने ऑफिशियल्स को लाने ले जाने का काम ट्रांसपोर्ट कमेटी का होता है। रिसेप्शन कमेटी, उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऑफिशियल्स हों या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हों, टीम्स हों, उनको उनका काम रिसेप्शन कमेटी का, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, ये कमेटी उनको रहने का, उनके खाने पीने का इंतजाम करती है कि वो एक अच्छे से, जो ऑर्गेनाइजर होता है उसको कोई भी ये ना कहे कि नहीं यहाँ पर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इन्होंने अच्छा ये भी किया, वो नहीं किया, तो बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी उनका ध्यान रखती है। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, जहाँ पर मैचेज होने हैं उसको प्रिपेयर करके रखना, अच्छे से रखना, सारे इक्विपमेंट प्रॉपर हों, मेडिकल एंड फर्स्ट एड, किसी भी अनसर्टेन इंजरी के लिए जो ग्राउंड पर हो सकती है उसके लिए मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटी वहाँ पर हमेशा ऑलवेज अवेलेबल रहती है। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट कमेटी है फाइनेंस कमेटी, जो हमें बजट बता दिए कि आपका इतना बजट है, आपको इतने बजट में इस चीज़ को कम्प्लीट करती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी चीज़ों को तैयार करते हैं। ज़्यादा बजट होगा तो हम चीज़ों को और अच्छे से कर सकते हैं, नई नई चीज़ें उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, और कम बजट होगा तो जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं में से हम उसको करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे आपका प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें हमने पढ़ा प्लानिंग के बारे में है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, और कमेटीज़ और उनकी जो क्या क्या काम होते हैं इनके बारे में हमने पढ़ा। मैंने लास्ट टाइम आपको ग्रुप पर आसन के वीडियो शेयर किए थे, आई होप कि आप सब उनको कर रहे होंगे, वो आपके पॉइंट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, आप उनको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे वेरियस टूर्नामेंट और वो टूर्नामेंट कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। उस तक के लिए थैंक यू वेरी मच।